हेलो दोस्तों, बालाजी वर्मी कंपोस्ट पर आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर सेकंड लेयर हमारी जो खाद की उतार हमें आज हम आपको दिखाएं किस प्रकार करना है। ये सबसे पहले हमें यहाँ पर जो हमारे बेड होते हैं केचुआ, हमारे वर्मी बेड होते हैं, बेड के ऊपर हमारे 4 से 5 दिन कम से कम हमें पानी को बंद कर देना है, उसके ऊपर पानी देना। और पानी देने के बाद हमारा क्या हुआ, जो हमारे ये गोबर है वो कम थोड़ा सूखा हो जाएगा। सूखा होने के बाद हमें ये जो हमारा कुदाल होता है, इस कुदाल की सहायता से हमें यहाँ पर इस बेड के अंदर ये कुदाल लगाना है। ये हमारा कम पहना होता है और ये हमें जो हमारे बेड के ऊपर हमें ढकी होती है, जो ये पराली है या ग्रीन नेट है या हमने जो भी बोरी बोरी है जो भी हमने इसके ऊपर ढक रखा है वो उसको उतारना है। और उतारने के बाद हमें जो है हमारा ये टाइट ये खाद जो तैयार हो चुका है, ये बिल्कुल देखिए हमारा एक टाइट होता है शुरुआत में और टाइट हमारे इस प्रकार से हमें इस कुदाल की सहायता से इसको ये फोला कर लेना है। और ये देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर पूरे बेड पर इसको दाल को लगाना है और लगाने के बाद हमारा ये खाद हमारा फोला हो जाएगा। और ये हमारे जो केचुए हैं, ये केचुए धूप लगते ही 5 मिनट के अंदर ही हमारे ये सभी केचुए नीचे चले जाएंगे और हम फिर इस खाद का उतार यहाँ पर कश्ची की सहायता से और तसले की सहायता से हम इसको यहाँ पर खाद का उतार कर लेंगे, इसका इकट्ठा करके हम। और फिर हमारे यहाँ पर देखिए कि बिल्कुल लास्ट में केचुए बच जाएंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके खाद का उतार करना, ये सेकंड लेयर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ आज खाद का उतार कर रहे हैं। ये कुदाल की सहायता से आपको करना है, आप कर सकते हैं। देखिए हमारा इस प्रकार से आपको ये पूरे बेड पर लगाना है और लगाने के बाद यहाँ पर आपको इसको खाद को इकट्ठा करना है। और ये फिर आपको इसको ऊपर बेड के ऊपर खाद उतारने के बाद आपको यहाँ पर बेड के ऊपर पानी लगाना है, पानी का विशेष ध्यान रखना है। आपको उतार करने के बाद एक बार फिर उसको आपको कुदाल लगाना है ताकि जो हमारा वो ये खाद होता है वो टाइट हो गया, उसको हमें नरम करना है। और नरम करने के बाद हमें इसके ऊपर ये इसके ढकने के बाद बोरी है जो पराली है जो हमने जो भी ग्रीन नेट लगाया हुआ है ये हमने इसके ढकने के बाद इस प्रकार से इसके ऊपर ढक देना है। ढकने के बाद हमें यहाँ पर इसके पूरे बेड पर यहाँ पर एक बार पानी लगाना है और पानी लगाने के बाद फिर हम यहाँ पर ये खाद का उतार हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर किसी भाई को वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हमारे से संपर्क कर सकता है। हम जैविक खेती भी कर रहे हैं, हमारी देखिए आप हमारी वर्मी कंपोस्ट यूनिट देख सकते हैं किस प्रकार से हमने यहाँ पर पूरी ग्रीन नेट से हमने यहाँ पर ये तैयार की। हमने यहाँ पर देखिए ये पूरी हमने यहाँ पर देख सकते हैं आप किस प्रकार से हमारी यूनिटी यहाँ पर देखिए, हम नए बेड भी बना रहे हैं, हमारा देखिए वहाँ पर गोबर ठंडा भी हो रहा है, हमने देखिए पराली का भी यूज़ करते हैं हम। और हम यहाँ पर हमने कुछ बेड पहले बोरी से भी लगाए थे और अब हम यहाँ पर जो ये ग्रीन नेट का उपयोग करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए, बहुत बहुत धन्यवाद।